फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार, निवासी ग्राम काकूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार, थाना खेरी पुल फरीदाबाद, तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खेरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस FIR में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे जी, नहीं, इसमें श्यामू वाजपेयी पे 50,000 का इनाम है, जहान पे नहीं। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे, और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा
पछतावा होगा।